हेलो, लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज के एक नए एपिसोड में आपको वेलकम है, स्वागत, खुशामदीद। आज थोड़ा दुख हो रहा है मुझको ये एपिसोड बनाते हुए, क्योंकि जो असम में कल एनआरसी की फाइनल लिस्ट रिलीज हुई, जिसमें तकरीबन 19 लाख लोग जो थे वो उस लिस्ट में नहीं आ पाए, गो कि ये फाइनल लिस्ट नहीं है और ऐसा लगता है कि शायद आखिर में जाके ये 4-5 लाख ही रह जाएगी, क्योंकि इस 19 लाख में शायद 5 लाख ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं और उनके नाम भी इसमें आ गए, और 4-5-6 लाख लोग ऐसे हैं जिनमें बच्चे का नाम आ गया, बाप का नहीं आया, बेटी का आ गया, बहन का नहीं आया, तो वो सब लोग नाम भी जब ट्रिब्यूनल उन्हें देखेगा वो आ जाएंगे। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज को अगर चंद शब्दों में मैं समअप करूं तो मैं ये कहूंगा एब्सोल्युटली पॉइंटलेस, सेंसलेस, माइंडलेस, पैसे की बर्बादी, फॉल्स नरेटिव क्रिएट की, देश की इंटरनेशनल इमेज को डैमेज किया गया, गैर जरूरी एक हाइप बनाई गई। अभी बात करूंगा मैं उस हाइप की कि इतने इन्फिल्ट्रेटर हैं और उतने इलीगल बांग्लादेशी आ गए हैं और उन्हें निकालना है और नेशनल रिसोर्सेस पे वो बहुत भारी बोझ है, असम की कल्चर जो है उनको उनसे खतरा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस ने पार्टीशन कंट्री का कराया, और पार्टीशन एक ह्यूमन ट्रेजेडी थी क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश कोई राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र सिर्फ एक है, वो है भारत राष्ट्र, और धर्म अलग हो जाने से आप किसी एक अलग राष्ट्र का हिस्सा नहीं बन जाते। आज 70 साल बाद हमने फिर एक उसी तरह की ह्यूमन ट्रेजेडी गैर जरूरी तौर पर की, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कंट्रीब्यूट किया, सुप्रीम कोर्ट भी कैरीड अवे हो गई जो नरेटिव पेश की गई थी। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने पॉलिटिक्स की, महंता साहब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उस पॉलिटिक्स को बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया और एक मेजोरिटेरियन नरेटिव बनाई गई और उनकी असम में सरकार बनी। मुझे सरकार बनने में किसी भी पार्टी के कोई एतराज नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए, डेमोक्रेसी में हर एक को यह हक है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पाने के लिए राष्ट्र का नुकसान कर दे, देश का नुकसान कर दे, ये मैं समझता हूं कि देश हित में बिल्कुल नहीं है। ये पूरा आइडिया क्या था? एनआरसी का पूरा आइडिया ये था कि बांग्लादेश जब बन गया 24-25 मार्च 1971 में, तो उसके बाद से जो लोग इंडिया में आए हैं उनको, जैसा असम एकॉर्ड ने कहा 1987 में, कि डिटेक्ट किया जाए, अगर उनका नाम आ गया है उसे डिलीट किया जाए और डिपोर्ट किया जाए। अभी ये खबर आई थी कहीं सुप्रीम कोर्ट में, शायद बताया गया कि पिछले 4 सालों में 3 लोगों को डिपोर्ट किया गया, या इतने पूरे 25-30 सालों में चंद यू नो 100 लोगों को सिर्फ डिपोर्ट किया गया। तो असम में एक फॉल्स नरेटिव क्रिएट करके एक रिजेंटमेंट बनाया गया आउटसाइडर्स के, कि ये आउटसाइडर आके जो असम के रिसोर्सेज हैं और उनके बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर भागीदार बन गए। राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जब वो 1926 में वहां गए तो बहुत बड़े बड़े लैंड जो थे वो खाली पड़े थे, और उनको मियाँपुर से आके, जो अब बांग्लादेश में है, लोगों ने कल्टिवेट किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे छपरा के लोग वहां जाएं और वहीं पर रह जाएं और वहां उनके लिए वो ज्यादा बेहतर है, छपरा में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो ये जो एक वाइड रिजेंटमेंट
वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट आसाम में इनिशियली आउटसाइडर के अगेंस्ट था, पॉलिटिकल पार्टीज में खासतौर से बीजेपी ने उसको एक मुस्लिम इमिग्रेंट्स, मुस्लिम इलीगल इमिग्रेंट की तरह मोड़ दिया, जो मैं समझता हूं कि वो अच्छा नहीं है। अब आप ये देखिए कि तकरीबन आपके सिर्फ 6% लोग, ये अगर 19 लाख की फिगर ले ली जाए, और ये सही नहीं है, आखिरी फिगर जो होगी वो कोई 3-4 लाख की होगी, और इसीलिए अब बीजेपी इतनी फ्रस्ट्रेटेड है इस पूरे एपिसोड को लेके। हेमंत कुमार बिस्वास उसके अगेंस्ट बोले हैं, सोनोवाल चीफ मिनिस्टर जो बार बार सुप्रीम कोर्ट गए एनआरसी पे, उसके अगेंस्ट बोले हैं कि अगर सिर्फ 6% आज की फिगर ले ली जाए लोग एनआरसी में नहीं है, तो आसाम की किसी कल्चर को और आसाम के किसी रिसोर्सेस पे कोई ये प्रेशर नहीं पड़ा, और ये जो एक पूरा एक बोगी बनाई गई थी कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाएगा, ये फैलेसी निकली, ये फैक्ट नहीं निकला। इसलिए मैं समझता हूं इस पूरी एक्सरसाइज से जो एक देश को लेसन लेना चाहिए कि हमको फैक्ट और फिक्शन में अंतर करना चाहिए। कई नरेटिव्स देश में चल रही हैं, वन लॉ वन नेशन, वन लॉ आ जाने से, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने से देश की सारी प्रॉब्लम हल नहीं हो जाएंगी, देश में बहुत डेवलपमेंट नहीं आ जाएगा, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ जाएगी, हर मुसलमान की 4 बीवियां हैं और 5 बच्चे हैं और उसने हर एक को ने तलाक दे रखी है, ये फॉल्स नरेटिव है। कांग्रेस मुसलमानों का अपीजमेंट करती रही, ये फॉल्स नरेटिव है। पॉपुलेशन कंट्रोल अगर आ जाएगा तो एकदम से हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, भाई ऑलरेडी हमारे ज्यादातर स्टेट्स में जो रिप्लेसमेंट रेट है वो ऑलमोस्ट वहीं पे है, फर्टिलिटी रेट उस वहीं पे है जो इसका रिप्लेसमेंट रेट होना चाहिए, अगर इससे कम हो जाएगा तो देश के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें किसी को नहीं मालूम था कि एग्जैक्ट कितने लोग बांग्लादेश से आए, लेकिन एक फॉल्स नरेटिव बनाई गई, और इस फॉल्स नरेटिव में सिर्फ बीजेपी को ब्लेम करना बिल्कुल सही नहीं होगा। मैं समझता हूं अमित शाह जी ने बिल्कुल सही बोला था पिछले साल कि भाई पूरी एनआरसी तो कांग्रेस की शुरू की हुई है। अब आप देखिए, होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता थे, अब ये तो कम्युनिस्ट थे, सेकुलर थे, इन्होंने पार्लियामेंट में, यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी, 6 मई 1997 में कहा कि 10 मिलियन यानी 1 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट है इंडिया में। उसके बाद इंडिया टुडे ने इसमें और कुछ इंटेलिजेंस के इनपुट्स मिला के कह दिया कि साहब 4 मिलियन हैं इलीगल इमिग्रेंट्स आसाम में, और टोटल जो है वो तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। फिर 8 नवंबर 1998 को लेफ्टिनेंट गवर्नर एस के सिन्हा, ये भी बीजेपी की तरफ बहुत माइल थे, इन्होंने एक रिपोर्ट भेजी जो कि रिपोर्ट जो थी बिल्कुल सब्जेक्टिव और प्रिजुडिस्ड बायस रिपोर्ट थी। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत अहमियत दी, के आर नारायणन को उन्होंने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है इससे देश को बहुत बड़ा खतरा है, और उसमें उन्होंने यहां तक ये कहा कि आसाम को और पूरे देश को इससे खतरा है, और ये जो सेकुलरिज्म का मिस्टेकन नोशन है इसको बीच में नहीं आने देना चाहिए, और हमको इसको फौरन खतरे को रियलाइज करके इसे रोकना चाहिए। बचाइए सेकुलरिज्म बीच में कैसे आ गया, सेकुलरिज्म का मतलब है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। बांग्लादेश से जो इंडिया की रिलेशनशिप होगी वो 2 सॉवरेन कंट्रीज की रिलेशनशिप होगी। फिर यही एस के सिन्हा और इंद्रजीत गुप्ता की रिपोर्ट जो थी वो 2005 में हमारे जो आज चीफ मिनिस्टर हैं सोनोवाल साहब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई की, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आर्टिकल 355 जो कि ये कहता है कि सेंटर जो है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, तो उन्होंने कहा ये जो बांग्लादेशी आ रहे हैं इट अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप ये देखिए कि ये क्वेश्चन भी फ्रेम कर लिया, और ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है पूरी एनआरसी का जो सेक्शन 6A है वो सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच के सामने है, उसमें ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या स्टेट का मतलब 355 में सिर्फ टेरिटरीज है या लोग भी हैं।
और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहती है लोग भी हैं। अब ये देखना होगा अभी 370 का जो सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर को सिर्फ एक टेरिटरी माना जाएगा या वहां के लोगों को भी स्टेट माना जाएगा, और अगर लोगों को स्टेट माना जाएगा तो उन लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनकी एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज और उनकी राय को क्यों दरकिनार किया गया। अब ये जजमेंट जो था सोनवाल वाला, इसकी वजह से फॉरेनर्स एक्ट में जो एक्सटर्नल एग्रेशन की डेफिनेशन थी उसमें एक सख्ती आ गई और हर एक को सस्पिशन से देखा जाए और हर एक को खुद साबित करना पड़ेगा कि वो इंडियन सिटीजन है। 14 जुलाई 2004 को, अब ये देखिए बिल्कुल अमित शाह जी जो सही बात कह रहे थे, मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, श्री प्रकाश जायसवाल जो उस जमाने में स्टेट होम मिनिस्टर थे उन्होंने एक स्टेटमेंट पार्लियामेंट में दिया और उन्होंने कहा कि 1,20,00,000 जो हैं वो इल्लीगल इमिग्रेंट हैं इंडिया में, जिसमें से 50,00,000 आसाम में हैं। बाद में ये स्टेटमेंट क्लैरिफाई हो गया कि नहीं, ये फिगर सही नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने पुरानी वाली और इस फिगर पे ही जो है अपना फैसला दे दिया 2014 में और ये एनआरसी जो है ये बन गई। जैसा मैंने कहा कि पूरी एनआरसी में खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाली बात हुई, ये मैंने अभी आर्टिकल 5 में भी ये बात कही थी, आज ये बात पूरा देश जो है वो मान रहा है। अब ये जो गवर्नर साहब ने रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, इंद्रजीत गुप्ता ने रॉन्ग स्टेटमेंट दिया, जायसवाल ने रॉन्ग स्टेटमेंट दिया और इन सारे स्टेटमेंट को बिना किसी ऑथेंटिक स्टडी के सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, उसकी वजह से ये इतना बड़ा डिजास्टर, इतना बड़ा फिएस्को, लाखों लाखों लोगों की पिछले 5 साल में प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, उससे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर जो असर पड़ा उसका तो अभी कोई मेजरमेंट भी नहीं किया गया है। ये जो 1971 की भी कट ऑफ डेट है, बीजेपी तो उसको भी चैलेंज करती रही है, वो तो 1948 और 50 की कट ऑफ डेट चाहते हैं, लेकिन ये 71 की भी कट ऑफ डेट मान ली जाए तो आप ये देखिए, ये थर्ड जनरेशन में आज लोग हैं, हो सकता है उनके बाप या दादा बांग्लादेश से आए हों, लेकिन ये वो लोग हैं जो भारत में पैदा हुए हैं। जो लोग भारत में पैदा हुए हैं हम उनसे सिटीजनशिप का सबूत मांग रहे हैं। एनआरसी में किसी का नाम ना आने का मतलब ये नहीं है कि वो भारत का सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है। जितने लोगों के नाम नहीं आए मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो ये ना समझें कि वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, वो उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है सिटीजनशिप साबित करने का। कोई चीज साबित होने अलग चीज है और उस चीज का होना अलग चीज है। अक्सर कितने क्राइम्स होते हैं, किसी का मर्डर होता है, जैसे पहलू खां का मर्डर हुआ, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया कि जी इन लोगों ने जिनके खिलाफ मुकदमा चढ़ा था इन्होंने मर्डर किया। इसका मतलब यह नहीं कि वो मरा नहीं वो आदमी, या अखलाक मरे नहीं, या जुनैद मरे नहीं, या ऐसे और बहुत से केसेस हैं। प्रूफ होने का मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं था, आप कोर्ट में उसको प्रूफ नहीं कर पाए। आज ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, असम गण परिषद, बीजेपी कह रहे हैं वी डोंट ट्रस्ट दिस एनआरसी, क्योंकि इस एनआरसी में जो आप चाह रहे थे वो नहीं हुआ। ये मैं समझता हूं कि बिल्कुल देश के संविधान के विरुद्ध है। आसाम में पिछले 4 सालों से इस पूरी प्रोसेस जब एनआरसी की हो रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट जो ये 62,000 सरकारी ऑफिसर एनआरसी बना रहे थे वो बीजेपी के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, और जो ट्रिब्यूनल्स के बारे में हम लोगों को इनपुट मिले हैं कि वो ट्रिब्यूनल्स भी ज्यादातर लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। लेकिन असम बीजेपी के प्रेसिडेंट रंजीत कुमार दास वो कह रहे हैं नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत हो गई, हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे। ये बात सही नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में आपको मुसलमानों के नाम नजर आ रहे हैं, आप ये चाहते थे मुसलमानों के नाम ना हो इसमें। ये मुसलमान भी देश के नागरिक हैं, उनको भी वैसे ही राइट्स हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहूं कि हमारा संविधान इतना व्यापक दृष्टि रखता है कि संविधान ने बहुत से मौलिक अधिकार जो हमारे नागरिक नहीं है उनको भी दिया।
इक्वालिटी का अधिकार, मसावात का हक, समानता का अधिकार सबको है, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सबको है, चाहे आप सिटीजन हो चाहे सिटीजन ना हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन धर्म की आजादी सबको है। कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहे हैं, मैंने अपने पिछले साल कहा था जो ममता जी ने ये कहा कि साहब एनआरसी बनी तो सिविल वॉर हो जाएगी, आसाम में शांति है, मुझे अच्छा लग रहा है देख के, कोई सिविल वॉर वाली सिचुएशन नहीं है, ममता जी भी एग्जैगरेट कर रही हैं, लेकिन ये बात सही है, उनकी इस बात से मैं एग्री करता हूं कि ये पूरी बॉश्ड अप प्रोसेस थी, ये पूरी प्रोसेस एक डिजास्टर है। कांग्रेस ने अपना कंसर्न जाहिर किया है कि बहुत से जेन्युइन सिटीजन थे वो नहीं आ पाए, लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के स्टेटमेंट से। हिंदुस्तान के जितने भी सिटीजन्स हैं आमतौर से और जो मुसलमान हैं वो खास तौर से, उनको देश के लीगल सिस्टम पे, देश की पार्लियामेंट पे, देश की सरकार पे, देश की अदालतों पे पूरा फेथ है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का नाम लेके पाकिस्तान कोई स्टेटमेंट नहीं दे, हमें ना उनकी मदद की जरूरत है ना उनकी सिंपैथी की जरूरत है, वो अपने देश का ख्याल रखें, अच्छे बड़े प्लेयर थे वैसे तो, उनका अपने कैप्टन ने इंडिया के अगेंस्ट मैच में उन्होंने कहा था कि भाई पहले बॉलिंग करें, उसने उनकी बात नहीं मानी। यानी क्रिकेट में भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो खुद वर्ल्ड कप विनर रहा है, उनका प्लेयर जो उनका कैप्टन है उनकी बात नहीं मानता। हमारे देश के आंतरिक मामलों में ना बोलें, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेश में अभी 2 महीने पहले कह दिया कि भाई एनआरसी इंटरनल मैटर है। हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह गए थे पिछले साल बांग्लादेश, उन्होंने कोई बात नहीं की किसी का डिपोर्टेशन, तो अभी किसी का डिपोर्टेशन होने नहीं जा रहा है। ये सारे लोगों के केस अभी ट्रिब्यूनल देखेगा, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में अपील होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। मेरे हिसाब से इसमें पूरे प्रोसेस में अभी 8-10 साल और लगेंगे, और एट द एंड ऑफ इट आपको कुछ बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको आप डिपोर्ट करना चाहेंगे। यहां एक बात मैं ये भी बता दूं कि देखिए पॉपुलेशन का डेटा, माइग्रेशन का, सेंसस का 2011 का, वो भी आ गया सामने, गो कि सरकार ने बाद में उसे हटा दिया, वो भी कोई ऐसी डेंजरस इमेज नहीं पेश कर रहा है कि बहुत बड़े नंबर पे माइग्रेशन इंडिया में हो रहा है। 71 के बाद से मुसलमानों का माइग्रेशन इंडिया में कम होने लगा, तो ज्यादा उधर से जो लोग आ रहे थे वो हिंदूज थे, क्योंकि वहां एक दूसरा बांग्लादेश एक मुल्क बन गया था। दूसरे, अब बांग्लादेश की इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है कि 10 लाख हिंदुस्तानी है बांग्लादेश में, तो हमें यह भी एक समझना चाहिए कि हम ये किस तरीके से इस पूरी चीज को कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया 2015 से ये प्रोसेस शुरू हुई और 31 अगस्त को अभी खत्म हुई, टोटल 3,30,027,661 लोगों ने अप्लाई किया, 68,37,660 एप्लीकेशंस थी, 62,000 लोग लगे, 7,500 करोड़ सरकार का इस पूरे प्रोसेस में खर्च हो गया, और एट द एंड ऑफ इट मुझे लगता है कि हमको कोई बहुत चीज हासिल नहीं हुई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये पूरा लॉ आर्बिट्रेरी है, जिस तरीके से ये किया गया वो एक आर्बिट्रेरी मैनर था, जिस तरीके से कोर्ट ने कहा हम रिफ्यूजी सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे, अगर रिफ्यूजी सर्टिफिकेट मान लिया जाए तो 3-4 लाख लोग और कम हो जाएंगे, और जो कोर्ट का जजमेंट 2014 का था जिसमें कोर्ट ने कहा कि साहब वो प्रॉफिट को हटा के सिटीजन पढ़ लिया जाए तो प्रॉफिट इज विदाउट ऑनर, आज देश में ये जो 19 लाख लोग हैं उनमें कम से कम 12-13 लाख लोग भारत के सिटीजन हैं, एंड दे आर विदाउट ऑनर, और दे आर विदाउट ऑनर बिकॉज हमारी सुप्रीम कोर्ट जो थी वो गॉट कैरीड अवे बाय द मिथ्स, बाय द फिक्शन, और कोर्ट को कैरीड अवे नहीं होना चाहिए फिक्शन से। और ये बात हो रही है कि हैदराबाद में एनआरसी होगी, मनोज तिवारी साहब ने कहा नहीं दिल्ली में एनआरसी होगी, कुछ बंगाल बीजेपी के चीफ कह रहे हैं बंगाल में एनआरसी होगी। एनआरसी असम के ये साबित हो गया कि एनआरसी की एक्सरसाइज एक डिजास्टर है, इसमें खर्चा बहुत होता है, लोगों को तकलीफ बहुत होती है, और आपको एट द एंड ऑफ द डे कोई बहुत बड़ी चीज हासिल नहीं होती। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सारी टॉक जो है एनआरसी की ये खत्म होनी चाहिए,
और सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश से ही आए बुद्धिस्ट इमिग्रेंट्स चकमा के लिए किया था, वही उनको अब इन लोगों के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो इनके पेरेंट्स और दादा शायद आए हुए हों, ये भारत में पैदा हुए हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? चकमाज उधर से आ गए थे, अरुणाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक गलत फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक पहले गलत फैसला हो गया 1994 में, फिर 1996 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट गया। क्या अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और जाके उन्हें कहना चाहिए कि ये जितने लोग रह गए हैं उनको अब सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन दे दी जाए? अगर वो 7-8 साल से इंडिया में रह रहे हैं, 10 साल से इंडिया में रह रहे हैं, कोई भी आप उसमें पीरियड लगा दें, और ये पूरा जो एक डिजास्टर है इसको खत्म करें, ताकि हम सब लोग मिलके देश की तरक्की के लिए साथ में कंट्रीब्यूट करें। आसाम की कल्चर इंटैक्ट है, बहुत से इंडिजिनस लोग भी जो थे वो रह गए, उनके पास सबूत नहीं थे। जो 1951 का आपने बेस बनाया एनआरसी का, वो बेस इटसेल्फ बहुत डिफेक्टिव था। उस वक्त का कितनी लिटरेसी थी, कितने बच्चे अस्पतालों में पैदा होते थे, वो जल्दी जल्दी में बना था क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे 1952 में। पूरा लीगेसी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज हैं, एक भाई आ गया दूसरा भाई नहीं आया, एक चचा आ गया दूसरा चचा नहीं आया। मैं समझता हूं कि इंडिया को कोई ग्रेव थ्रेट इलीगल इमिग्रेशन से नहीं है, वो हमारे रिसोर्सेस पे बहुत ज्यादा हावी नहीं हो रहे हैं। ये पूरे जो एक्सरसाइज है एनआरसी पे, इस पे पर्दा डालना चाहिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इंटरवीन करना चाहिए। सरकार ने खुद बात कही है वेरिफिकेशन की, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी, अब वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब जो लोग रह गए हैं, अगर वो इंडिया में पैदा हुए हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट एक ह्यूमेन अप्रोच ले और एक्सेप्ट करे कि फैक्ट और फिक्शन का डिस्टिंक्शन जितना करना चाहिए था कोर्ट को, उतना कोर्ट ने नहीं कहा किया। ये पूरा के लोगों को डी वोटर बना दिया जाए, उन्हें डिटेंशन कैंप्स में रख दिया जाए, टोटल आपकी कैपेसिटी आज के डिटेंशन सेंटर्स में जो है 6 डिटेंशन सेंटर हैं, शायद 3,000 है, उसमें आप 10-12 लाख लोगों को थोड़ी रख पाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला कर दिया कि जो 3 साल से ज्यादा डिटेंशन सेंटर में लोग रह रहे हैं उनको बेल पर रिहा कर दिया जाए। ये सब डिटेंशन सेंटर जो हैं इनको बंद किया जाना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, ये पुअर लोग हैं, बांग्लादेश से हमारा पोरस बॉर्डर है, नेचुरल वे में माइग्रेशन होता रहा है बांग्लादेश से आसाम की तरह। आई थिंक कि ये एक जो इनह्यूमन एक्सरसाइज है जिसको हमने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए किया, उस एक्सरसाइज को बंद करें और सब लोग यूनाइटेडली देश को मजबूत बनाने की दिशा में और जो रियल देश के इश्यूज हैं उनकी तरफ कंसंट्रेट करें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इमीडिएटली सब्सक्राइब को और उसके बराबर में बेल आइकन को क्लिक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। जो लोग एनआरसी में नहीं आ पाए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, भरोसा रखें, फेथ रखें, देश की एनजीओज, देश के सिविल एक्टिविस्ट, देश के लॉयर्स, सरकार सब उनकी मदद के लिए तैयार है। बीजेपी सरकार ने भी कहा है कि हम सबकी मदद करेंगे, सबको फ्री में लीगल असिस्टेंस देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।